माँ ही रहेगी, बेटा को वो बेटा ही मानेगी। तो अनमोल जी ने मुझे ये बोला कि नहीं, बेटा अगर चाहे चेंजेस करे तो वो माँ की आइडेंटिटी को चेंज कर सकता है। तो मेरा प्रश्न ये है, क्या कोई दूसरा व्यक्ति माँ की आइडेंटिटी को या कोई और पावर इस चीज़ को चेंज कर सकती है? क्या कोई संबंध जो दो लोगों में बना है वो खत्म हो सकता है? क्या वो एक की आइडेंटिटी को खत्म कर सकता है ऐसे? आप एक अंधेरे कमरे में हैं, और आपको लगता है कि इस कमरे में कोई भूत प्रेत है और आप डरे हुए हैं। उस अंधेरे कमरे में कभी यहां छुप रहे हैं, कभी वहां छुप रहे हैं, और जहां भी छुप रहे हैं बीच बीच में किसी और से टकराए ही जा रहे हैं। और जब भी आप टकरा रहे हैं तो आप पा रहे हैं कि चीखें उठती हैं। कुछ चीखें तो आपकी हैं, कुछ चीखें पता नहीं किसकी हैं। आप आश्वस्त हैं कि कमरे में भूत जरूर है। आप में और भूत में अभी भी कोई रिश्ता है ना? क्या रिश्ता है? डर का तो ये जो दो लोग हैं, आप और भूत, इनमें एक रिश्ता तो है ही। और तभी आता है कोई और कमरे को प्रकाशित कर देता है, और आप पाते हैं कि आपके सामने आप ही के जैसा एक इंसान खड़ा हुआ है, और जैसे आप उससे डरे हुए हैं वो हमसे डरा है, आपसे डरा हुआ है। रिश्ता बदल गया कि नहीं बदल गया? तो बदल बस हम जानते ही नहीं है कि हम कौन हैं, हम जानते ही नहीं है कि दूसरा कौन है। कमरा अंधेरा है, रोशनी होते ही रिश्ता बदल जाता है। दूसरे व्यक्ति को तो छोड़ो, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप घर में ही हो और बत्ती चली गई है, और आपको दहशत सी हो रही है, और बत्ती आती है तो आप पाते हो सब कुछ प्रकाशमान। रेडियो चलने लगा अपने आप, टीवी चलने लगा, नजारा ही पूरा बदल गया। संसार से रिश्ता बदल गया कि नहीं बदल गया? संसार अभी तक कैसा लग रहा था? सौम्य और प्रकाश के आते ही संसार हो गया। कुछ और हो गया। उल्टा भी हो सकता है, अंधेरे में पता नहीं किसके गले लग गए थे। कस्मे वादे प्यार मोहब्बत, और प्रकाश आया तो चिल्ला के भागे, अरे बाबा कहाँ फंसे हुए थे। अभी तक तो उसकी सूरत दिखती ही नहीं थी, रोशनी आई नहीं कि दिख गया कि किसके साथ संबंध बना लिया था। तो रोशनी तो ऐसा ही करती है, हकीकत दिखा देती है, हकीकत दिख गई, अब संबंध पुराना कैसे चलेगा? कई लोग संबंध बचाने के लिए रोशनी के दुश्मन हो जाते हैं, उन्हें पता है रोशनी आई नहीं, खुलासा होगा। कुछ कुछ अंदाज उन्हें लगने लग गया है कि मामला वो है नहीं जैसा हम समझते आए हैं। तो अब वो और दुश्मन है रोशनी, क्योंकि भाई कहीं भेद पूरा ही ना खुल जाए, कहीं प्रमाण ही ना सामने आ जाए। आप कह रहे हो दो लोगों का रिश्ता, वो दूसरा है कौन ये जानते भी हो? जहाँ मैंने प्रश्न किया वहां माँ की बात हुई थी। मां जानती भी है वो कौन है और क्यों दूसरे से संबंध बना रही है। बेटा है जरूर, वो बेटे से क्या संबंध है? खबर पढ़ी थी मैंने, एक मां बच्चे को 2 साल 3 साल पालती रही, 3 साल बाद जिस अस्पताल में बच्चे का जन्म हुआ था वहां से खबर आई कि आपका नहीं है, आपका दूसरा है। तुरंत बच्चे के प्रति बेरुखी पैदा हो गई, और जो दूसरा अपना था उसकी झलक लेने के लिए लालायित हो गई,
जानते भी हो तुम्हारा संबंध क्या है उससे, और संबंध से मेरा ये आशय नहीं कि तुम्हारे जिस्म से आया कि नहीं आया। अभी तो ये कहते हो कि प्रेम है, ये कैसा प्रेम है जो एक खबर पाते ही उड़नछू हो गया। और प्रेम तो सीमित नहीं होता किसी एक के प्रति, ऐसा कैसे हो जाता है कि अपने लाड़ले के लिए तो प्रेम है और इस सर्दी में बाहर जो घूम रहा है अपने ही लाड़ले की उम्र का, उसके प्रति उदासीनता, ऐसा कैसे हो जाता है? समझो इस बात को, कोई तो बात होगी ना कि किसी आध्यात्मिक ग्रंथ ने, किसी उपनिषद ने नहीं कह दिया कि मां सर्वोपरि है, बड़ी दैहिक बात होती है जन्म देना। बिल्कुल देह की बात है, पूरी बेहोशी में भी तुम मां बन सकते हो, अभी तुम खुद को ही नहीं जानते और किसी और को जन्म दे दिया है। कोई पागल भी हो जाए तो इससे उसकी संतानोत्पत्ति की क्षमता पे कोई असर नहीं पड़ेगा कि पड़ेगा? नहीं। पशु जीव जंतु सब मां बाप बनते हैं कि नहीं बनते? और प्रकृति चाहती है कि बच्चा सुरक्षित रहे, सुरक्षित होकर बड़ा होता रहे, इस नाते वो हर प्रजाति की मादा में कुछ ऐसे रसायनों का संचार करती है जिसके कारण उसे अपने नौनिहाल के प्रति एक आकर्षण रहता है और उसे सुरक्षित देखने की भावना होती है। वो भावना अगर ना हो तो कोई बच्चा बचेगा नहीं, और प्रकृति चाहती है कि इस संसार का चक्र चलता रहे। उस चक्र के नाते आवश्यक है कि बच्चे की देखभाल हो, बच्चे की देखभाल हो इस नाते आवश्यक है कि माँ के भीतर कुछ ऐसे रसायन उठें जो उसे ममत्व की भावना दें, ममता की भावना दें। इस रिश्ते में ऐसा क्या विशेष है कि कहते हो वो माँ है? माँ होना तो और भी ज्यादा अंधकार में होने वाली बात है। असली माँ वो है जो गुरु बन सके, और अगर गुरु आप नहीं बन सकते तो व्यर्थ ही जन्म दिया आपने। असली माँ वो है जो बच्चे से पहले या कम से कम बच्चे के साथ साथ खुद को भी बड़ा करे, नहीं तो ऐसी माँ फिर जो बड़ा होने से इनकार करती हो वो बच्चे का दुर्भाग्य ही है। तो कह रही है बच्चे को बड़ा करना है और खुद छोटा रहा आना है। तुम छोटे हो तो बच्चे को बड़ा करोगे कैसे? मां बनना जैविक बात है और मां को अपनी पहचान बना लेना सामाजिक बात है। पशु भी मां बाप बनते हैं, पर वहां मां बाप होना एक सामाजिक पहचान नहीं बन जाती, वो पूरे तरीके से एक जैवी दैहिक बात है। आप जिस मातृत्व की बात कर रही हैं वो न दैहिक है न दैवीय, वो बीच का है, वो सामाजिक है। समाज ने बता दिया है कि मां होना बड़ी बात है, और इसीलिए अलग अलग समाजों में मां का अलग अलग स्थान है।
अब नारी तो एक है, स्त्री तो एक है, पर अलग अलग समाज में माँ की अलग अलग अवधारणा पाई जाती है। भारत में जिस रूप में माँ को देखा जाता है, पाकिस्तान में वैसे नहीं देखा जाता है, और अमेरिका में तो बिल्कुल ही अलग तरीके से। माँ का जो इंस्टीट्यूशन है, माँ एक नाम नहीं है, माँ एक संस्था है, वो सामाजिक है, समाज ने बनाया है कि माँ माने ये सब कुछ। प्रकृति तो इतना ही कहती है कि जन्म दिया है, अब इतने महीने पालन पोषण करो या इतने साल, और फिर हो गया। समाज बहुत कुछ कहता है कि अब मां हो तुम तो तुम्हें अपने ही धर्म में बच्चे को दीक्षित करना है, अब मां हो तुम तो तुम्हारी इज्जत जुड़ गई है बच्चे के साथ। समाज 50 बातें बताता है कि मां तुम तभी कहलाओगे जब वो तुम्हारा खून हो, मतलब तुम्हारे शरीर से निकला हो। इसीलिए इतने अनाथ घूमते रहते हैं, लोग उनको नहीं अपनाते और पगलाए रहते हैं, जा रहे हैं इस तरह का उपचार करा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट चल रहे हैं, उनसे पूछो कि बच्चा गोद क्यों नहीं ले लेते, कहेंगे नहीं देखो अपना खून चाहिए। ये सब समाज ने सिखाया है, नहीं तो बच्चा तो बच्चा होता है, तुम्हें बच्चे के ही प्रति अनुराग होता है, तो तुमने कब का किसी अनाथ को गोद ले लिया होता है? पर जैसे समाज ने तुम्हें सिखाया है कि घर तो अपना होना चाहिए, सिखाया है ना, तमाम होर्डिंग होते हैं और विज्ञापनों में लिखा होता है कि किराए में रहना भला नहीं, देखो साहब घर तो अपना होना चाहिए, वैसे ही समाज ने तुम्हें सिखा दिया है कि बच्चा तो अपना होना चाहिए। क्या रखा है इस मातृत्व में? अगर मां का अर्थ है वो जो जन्म दे, वो जो नई शुरुआत दे, तो पहले अपने आप को नई शुरुआत दो, पहले अपनी मां खुद बनो, फिर तुम्हारे माध्यम से अनगिनत लोगों को जन्म मिलेगा। समाज ने बड़ी भूल की है, वो माता को देवी का दर्जा दे देता है बिना ये बताए तुमको कि किस माता को देवी का दर्जा मिलना चाहिए। माता को निसंदेह देवी का दर्जा मिलना चाहिए, पर उस माता को जो वास्तविक जन्म दे वो देवी है, जो सिर्फ शरीर का जन्म दे वो देवी वगैरह कुछ नहीं है। असली माता वो है जो जीव को बताए कि शरीर का जन्म लिया है तुमने लेकिन शरीर तुम हो नहीं। जो हमारे आसपास ही करोड़ों माताएं घूम रही हैं, सब नकली माताएं हैं, क्योंकि ये तो बच्चे को और ज्यादा देह भाव शरीर भाव में ही स्थापित करके रखती हैं। कितनी माताएं देखी हैं आपने जो बच्चे की आत्मा की फिक्र करें, कहते मेरे गोलू के गाल ठीक है ना, अब गोलू का गाल ठीक हो, गोलू का वजन ठीक हो, गोलू की पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही हो, पर गोलू के हृदय का उन्हें कुछ पता नहीं, क्योंकि अपने ही हृदय का उन्हें कहां पता है। गोलू को परमात्मा तक नहीं ले जा पाएंगी क्योंकि वो स्वयं ही कहां परमात्मा तक पहुंची है। ये नकली मां है जो बच्चे को और ज्यादा देह ही बनाए दे रही है। असली मां वो है जो बच्चे को देह के पार भी ले जाए। उस मां को देवी मानना, उस मां को देवी ही नहीं मानना, उस मां को तो तुम साक्षात ब्रह्म मानना, पर वैसी मां मिलती नहीं। वैसी मां कोई करोड़ों में एक होती है। मां बाप निसंदेह देवी देवता होते हैं, पर जानो पहले कि असली मां कौन और असली बाप कौन। फिर बाप भगवान है और मां भगवती, अन्यथा नहीं। अब अगर बच्चे को जन्म दे दिया तो बड़ी जिम्मेदारी उठा ली है आपने, उसको पूरा करिएगा, उसको शरीर भर देने से काम नहीं चलेगा।
आपको उसे सत्य भी देना पड़ेगा, तब कहलाएंगी मां। असली खूटे की पहचान। जो मां सिर्फ शरीर दे वो कोई मां नहीं है। मां तब हुई जब बच्चे को सत्य भी दिया, और बच्चे को सत्य दे पाओ उसके लिए आवश्यक है कि हमको तो सत्य हो। चार्य जी, कोई ऐसी माँ है जो सत्य को मतलब जान चुकी है, उनका अपना बच्चा है और एक वैसा बच्चा भी है बाहर का अनाथ टाइप का, तो तब वो तब भी तो अपने बच्चे को ज़्यादा प्रायोरिटी देगी वो? अच्छा मैं पूछ रहा हूँ, तुम तो जानती हो मान लो कि तब भी स्कूल कल्पना कर रहे हैं ये कि बुद्ध माँ कैसी होती होगी, कह रहे हैं कि बुद्ध माँ दूध लेके अपने वाले बच्चे के पीछे पीछे जा रही है और जो बाहर खड़ा है उसको दूध दे नहीं रही है। छोटा सा दिमाग है, इतना मत चलाओ। कल्पना कर रहे हैं कि कहां प्रायोरिटी देगी कहां नहीं, ट्राइंग टू रीड द माइंड ऑफ गॉड। इससे बड़ी धृष्टता नहीं होती है कि कटोरे में कोशिश कर रहे हो कि सागर समा जाए, तुम यहां बैठे बैठे पूरा पढ़ ले रहे हो कि बुद्धों का मन कैसे चलता है। इतने होशियार हो तुम तो बुद्धों के भी बाप हो गए। ये दुस्साहस है, मत किया करो। और ये लोग खूब करते हैं कि नहीं साहब हम तो जानते ही हैं कृष्ण क्या सोचते थे। जरूर, तुम्हारा कुत्ता क्या सोचता है ये तुमको पता नहीं। जिस बीवी के साथ दिन रात रहते हो उसकी सोच का तुम्हें पता नहीं। हाँ, तुम्हें कृष्ण और क्राइस्ट की सोच का खूब पता है। वो तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं तुम्हारे सामने, परमात्मा के बाप हो तुम। उनसे सीखो, उन पर चढ़ो नहीं। ये भूल कभी मत करना, बुद्धों के बारे में कल्पना दौड़ाने की। तुम्हारी हालत यह है कि तुम फीता लेकर के वजन नापने निकले हो। फीता देखा ना, लंबाई नापने वाला, ये लेके उससे वजन नापना चाहते हैं। ये क्या गलती कर रहे हैं? क्या गलती है? लंबाई वाले तुम ऐसी चीज का उपयोग करके ऐसी चीज नाप लेना चाहते हो जो तुम्हारे उपकरण से संभव नहीं है। तुम्हारा उपकरण ये है, इस उपकरण से बुद्ध के मन को पढ़ना पकड़ना संभव नहीं है। कि जैसे कोई तुमसे कहे कि मुझे चांदनी बहुत प्यारी लगती, और तुम बाल्टी लेके निकल पड़ो, प्रीतमा आज तेरे लिए बाल्टी भर के चांदनी लाऊंगा। जो तुम चाहते हो लाना वो तुम्हारे उपकरण से संभव नहीं है।